अल्लाह ने जाते को पहनाई गई
एक लाश मेरा माला उठा कर
हाथ जोड़ कर किया बीमार ने बयान, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढ कहाँ कहाँ, कैसे कफन दो लाश को, और बदनसीब इकट्ठा करो जरा उतरे लहद में शाह की बीमार कर बला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा, रुक कैसे सुए का बहा के चैन का जितने भी टुकड़े मिल सके सब चुन लिए गए, आहिस्ता से लहद में वो बीमार ने रखे, सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के, हालत पे बाबा जान की सज्जाद रो पड़े, बोले के याद आती है इस वक्त दादी जान, अरे तोड़िए है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां, टूटी है सिलाश गरीब दयार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाली की गई, फिर कुर्तार अमामाया काटी है बाबा हुसैन की, तीरों से सारा जिस्म है हाय भरा हुआ, पहलू पे बाबा जाके है नैना गड़ा हुआ, तेरा जग हुसैन का गला है कटा हुआ, है तन यहाँ पे सरवह से भरा हुआ, सर देख कर यकीन है मेरे खानदान को, अरे मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को, बढ़कर बनी असद ने एक बात पूछ ली, मौला माफ कीजिए कर वो खता हुई, छोटी सी क्या ये सीने पे शह रखी हुई, आबिद की बात सुन के हर कमा तड़प गई, बोले ये देख देख के दिल पाश पाश है, जान के असगर की लाश है, पूछा किसी ने मौला बराबर में कौन है, शब्बीर इसके सीने पे क्यों हाथ है रखे, लगता है इनको प्यार था इस नौजवान से, अकबर का नाम लेते ही सज्जाद रो पड़े, बोले के हाथ सीने पे लगा, आई सदा ये फाई
आओ कि माबा करो चुके। कूफे में याद करती है बेटी मेरी तुझे, तुम तो यहाँ हो वो भला आवाज किसको दे। जैनब के दिल को और भी सालिम रुलाता है, शिमरे लई बहन को तमाचे लगाता है। सज्जाद करबला के वो मंजर अजीब थे, फरहाद आ रही थी आवाज कब्र से, मिलवा दो बेटा फिर जरा अब्बास से मुझे, बोलो के आखिरी ये मेरी बात मान ले। आमिद पुकारे दिले एहसास आइए, मंडी अहद पे डालने अब्बास आइए, मट्टी लहद पे डालने अब्बास आइए। बीबियां अली की बेटियां जनाब फातिमा जहरा की बेटी, रोने वालों है ये घड़ी शोर शैन की, तदफीन हो रही है इमामे हुसैन की। कूफे से आए पहन जो सज्जाद बेड़ियां, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहां कहां, कैसे कफन दूं लाश को गुरबत नसीब। असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा, उतरे लहद में शाह की बीमार करबला। बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा, रुख कैसे सुए सके, सब चुन लिए गए। आहिस्ता से लहद में वो बीमार ने रखे, सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के, हालत पे बाबा जान की सज्जाद रो पड़े। बोले के याद आती है इस वक्त दादी जान, अरे तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां, लूटी है इस लाश गरीब दयार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाली की गई, फिर कुर्तार अमामा सिर्फ अंगूठी नहीं मिली। अरे बेहतरामी की है जहरा के चैन की, उंगली लई ने काटी है बाबा।
में भरा हुआ पहलू पे बाबा जाके है नैजा गड़ा हुआ तेरा जगो सीन का गला है कटा हुआ है तन यहाँ पे सर वहाँ मुँह से भरा हुआ सर देख कर यकीन है मेरे बाबा जान बढ़कर बनी असद ने ये एक बात पूछ ली मौला माफ कीजिए कर वो खता कोई छोटी सी क्या ये सीने पे शहर रखी हुई आबिद की बात सुन के हर एक माँ तड़प गई बोले ये देख देख के दिल पाश पाश है सीने पे बाबा जान के असगर की लाश है पूछा किसी ने मौला बराबर में कौन है शब्बीर इसके सीने पे क्यों हाथ है रखे लगता है इनको प्यार था इस नौजवान से अकबर का नाम लेते ही सज्जाद रो पड़े बोले के हाथ सीने पे कब्र से सज्जाद लौट रहा के बाबा को रो चुके कूफे में याद करती है बेटी मेरी तुझे तुम तो यहाँ हो भला आज किसको दे जैनब के दिल को और भी अजीब थे फरहान आ रही थी आवाज कब्र से मिलवा दो बेटा फिर जरा अब्बास से मुझे बोलो के आखिरी ये मेरी बात मान ले आबिद को कारे दिले मट्टी लहद पे डालने अब्बास आइए मट्टी लहद पे डालने अब्बास आइए को बिछवाया कहा के देखो ये
अपना हाथ पर रसूल अल्लाह शाह देखो ये इमाम अल्लाह शाह इसे ईमान हो जाकर करता तुम अब बैठ जाओ ना मैं लाश के टुकड़ों को इमाम जमा कर सकूं पत्ते में हम करिया क्रिया किया मुझ में जितनी ताकत थी मैंने तैयार किया लेकिन मेरी माता ने अपनी बेटों को आज इस वक्त प्यार न करे इसलिए अपने भाई अली अस्कर की लाश को उठाया हाथों से उठाया आपने सुना है ये आशूरा के अमाल भी है आशूरा के अमाल में है कि इमाम हुसैन रोजे आशूरा जब हाथों से अली अस्कर को लेकर पहुंचे तो जालिम समझे तो कुरान ला रहे हैं लेकिन जब हाथों को नीचे
लगातारा हूँ। ये आवाज सुनके रबाब कहने से बाहर आ गया। अब जो देखा इमाम के हाथों में बेटे का लाशा पहाड़ पर बांधता है। तीर चलाना जानती थी, फौरन फेंक के कहा मिसलो कैया था, ए मेरे बेटा क्या 6 महीने के बच्चे भी लहर किए जाते हैं, ऊंट की तरह से दफा किए जाते हैं। जब ऊंट दफा किया जाता है ना, तो उसकी गर्दन पे तलवार का वार किया जाता है या तीर चला के उसकी गर्दन को जुदा किया जाता है। रबाब चाहती है कि गिरिया कर रोए। इमाम ने फौरन रबाब के चेहरे को देखा, कहा रबाब मैं कौन हूँ? कहा क्या हो मौला? मेरे सैयद सरदार हो, मेरे आका हो? कहा कि मेरा हो। कहा कि आपका हुक्म मैं बजा लाऊंगी? कहा कि रबाब मेरे पास पास आ जाओ। रबाब को अपने साथ साथ पीछे लिया। आप आगे को पुष्ट खेमा पे पहुंचे, पुष्ट खेमा पे पहुंचे। जाने के बाद रबाब से कहा, रबाब माँ आखिरी दीदार करती है अपने लाल का, माँ आखिरी दीदार करती है अपने लाल का, एक आखिरी दीदार कर ले रबाब, इंतजार अपने लाल को पहुंचने दे ले। अपने हाथों में लिया, लेने के बाद कब्र में उतारा। अब माँ बाप ने बेटे की मैयत है। अब सोचो जरा जहन में कि किस तरह से बाप ने छोटे से चेहरे को हाथ में छिपाया होगा। सैयद सज्जाद ने अपने लाल को, अपने भैया को, अपने भैया के लाशे को छोटी सी चटाई ली और चटाई पे इस लाश के टुकड़ों को रखा। इसलिए कि जालिम ने जब सर की निकट एक हफ्ता को एक सर कम हो गया था। शिविर ने कहा था मैं मुझे आता कैसे तलाश करूंगा, नेजा लिया था और जमीन पे मारता जाता था, एक जगह जो मारा तो नेजा अंदर पहुंचा। तुम
तुम्हारे सीने पे सोने वाली सकीना, माँ के सीने पे, खुदी के सीने पे, ये जिंदा निशान के बेस्ट सोई, ये अली असरार आपके सीने पे सोई इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन रज़ा बिन बेकतार व तस्लीमा बिन अमरहिम।